नमस्कार, नेक्स्ट एंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी हार का सामना भी करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटों में से मात्र 33 सीटें जीतने में कामयाब हुई और वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें गईं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो नाम था चंद्रशेखर आजाद का। वहीं मायावती उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीएसपी पार्टी जो है 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह से काम करती नजर आएगी, किस तरह से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करती नजर आएगी। कहा जा रहा है कि बीएसपी पार्टी चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया है और नगीना सीट से मौजूदा सांसद है, उनके साथ गठबंधन कर सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि मायावती जो है इस बार अपनी मुख्यमंत्री की जो गद्दी है जिसको लेकर वो अपना फेस हमेशा आगे करती हैं, इस बार वो अपना फेस आगे ना करकर इस बार चंद्रशेखर आजाद का नाम आगे कर सकती है। दरअसल मैं आपको बता दूं, 23 जून को मायावती और यानी कि बीएसपी पार्टी की पूरी एक बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर बात होने वाली है कि आखिरकार 432 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा लेकिन हम एक भी सीट पर चुनाव क्यों नहीं जीत पाए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से हम एक भी सीट पर चुनाव क्यों नहीं जीत पाए, और अब आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं उसमें हमें किसके साथ गठबंधन करना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए और किस तरह से हमें अभी शुरुआत से ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी इस बार चंद्रशेखर आजाद के साथ यानी कि आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने के चेहरे के लिए आगे किया जा सकता है। मतलब मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसमें चंद्रशेखर आजाद का जो नाम है वो आगे किया जा सकता है बीएसपी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मायावती जो है अब कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा एक्टिव जो है राजनीति में नजर नहीं आती। लोकसभा चुनाव में जैसा कि आप सभी ने देखा, मायावती ने लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट तो उतारे लेकिन चुनाव प्रचार के लिए इस तरह से नहीं गई जिस तरह से जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की सीटों पर तो चुनाव प्रचार किया लेकिन दिल्ली में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, एक दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए वो नहीं आई। बिहार में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, एक दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए नहीं आई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे लेकिन चुनाव प्रचार के लिए नहीं गई। ऐसे में बिना चुनाव प्रचार के क्या चुनाव जीता जा सकता है, बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। और मायावती जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अब बेहद नीचे जाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि आकाश आनंद को तो देखिए वापस मायावती नहीं लेना चाहती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए मायावती कहीं ना कहीं गठबंधन उनके साथ कर सकती है और उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आगे कर सकती है। मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद भी कई बार ये बात कहते नजर आए हैं कि मैं बहन जी की जो नीतियां हैं उन पर ही काम करता नजर आऊंगा, वो मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी उनके मन में भी ये बात रहती है कि मेरा गठबंधन मायावती के साथ हो जाए, और ये कहीं ना कहीं इशारों में कई बार चंद्रशेखर आजाद कह चुके हैं। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन होगा या फिर नहीं, और अगर गठबंधन होता है तो आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बीएसपी पार्टी की तरफ से बनाया जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।